प्रिय छात्र नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। यानी आज हम बात करेंगे दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य प्रेरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यानी आज हम बात करेंगे कि हमारे पास दो लंबी परिनलिका है, उन दोनों लंबी परिनलिकाओं के मध्य जो प्रेरण उत्पन्न होगा उसका अपन किस प्रकार से डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले हम यहाँ चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। हमारे पास में दो परिनलिका है, देखिए एक परिनलिका जो है वो S1 है, कुछ हमने इस प्रकार से बनाई है, S1 परिनलिका है, और दूसरी परिनलिका जो है S2, ये हमने डॉट डॉट लाइन से इसको बनाई है। तो यहाँ पर S1 और S2 दो लंबी परिनलिका है। तो इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, माना S1 और S2 दो समअक्षी समअक्षी परिनलिकाएं हैं, परिनलिकाएं। आगे लिखा है जिनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। तो देखिए यहाँ पर S1 और S2 दो परिनलिका है और दोनों ही परिनलिकाओं में फेरों की संख्या N1 है, यानी कि प्राथमिक जो पहले परिनलिका है इसमें फेरों की संख्या N1 और द्वितीयक जो परिनलिका है इसमें फेरों की संख्या N2 है। आगे हमने लिखा है कि माना प्राथमिक परिनलिका की लंबाई L तथा द्वितीयक परिनलिका की के अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल A है, यानी कि जो प्राथमिक जो S1 इसकी लंबाई हम लेंगे L स्मॉल और जो द्वितीयक जो परिनलिका है इसके अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्र हम लेंगे यहाँ पर A। इस प्रकार इसके लिखने के जस्ट बाद आप यहाँ पर ये चित्र भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार आगे हमने लिखा है कि अब यदि परिनलिका S1 में I1 धारा प्रवाहित करने पर परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि देखिए हमारे पास परिनलिका जो S1 जो है इसके अंदर हम S1 के अंदर I1 धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो प्राथमिक जो परिनलिका है हमारे पास S1 इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी, और यानी कि B1 क्योंकि हमारे पास दो कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम लेंगे B1 और B जो होता है केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये बनेगा B1 इक्वल बनेगा μ0 N1 I1। देखिए B1 जो है प्राथमिक चुंबकीय प्राथमिक कुंडली जो है परिनलिका जो उसके अंदर या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और μ0 जो होता है निर्वात में चुंबकशीलता, N1 जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और I1 जो है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा। यदि हम प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जो उसके चुंबकीय जो फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वो द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न होगा। तो देखिएगा आगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि परिनलिका S2 से चुंबकीय फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो देखिए धारा जो हम प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र भी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 और 1। 2-1 क्यों लिखा है कि फ्लक्स जो होगा वो उत्पन्न होगा द्वितीय कुंडली में, लेकिन धारा जो देंगे वो प्राथमिक कुंडली में, इसलिए हम लिखेंगे 5-2-1। जो 2 जो है फ्लक्स द्वितीय कुंडली में और 1 जो है धारा जो हम दे रहे हैं प्राथमिक कुंडली में, और फ्लक्स का होता है हमारे पास N2BA। अब हमने N2 लिखा है क्योंकि फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वो द्वितीय कुंडली में होगा।
और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और B1 इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो उत्पन्न होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर होगा, और H जो है दोनों ही कुंडली का क्षेत्रफल। तो ये फाइनल बन जाएगा 521 इक्वल N2 B1 A। और हम जानते हैं कि जो N1 जो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं एन स्मॉल और एल, जहाँ एन जो है फेरों की संख्या और प्रति एकांक फेरों की संख्या, और एल जो होता है वो परिनलिका की लंबाई। तो ये बन जाएगा N1 L, और इसी प्रकार हम यहाँ N2 को भी लिख सकते हैं N2 L, जहाँ N2 जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और N2 जो प्रति एकांक फेरों की संख्या, और L जो है परिनलिका की लंबाई। आगे हम क्या करेंगे कि N2 का मान यहाँ से रख देंगे और B1 का मान यहाँ से रख देंगे। तो देखिए ये बन जाएगा 521 इक्वल N2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल N2 L, और B1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा म्यू नोट N1 और I1। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिएगा तो ये हो जाएगा 521 इक्वल, सबसे आगे हम लिखेंगे यहाँ पर म्यू नोट, फिर लिखेंगे N1 और N2, N1 N2, और फिर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, सॉरी इसका ए और बचा तो यहाँ लिख देंगे अपन ए, तो ये बन जाएगा ए और एल, तो हो जाएगा ये ए और एल। तो इस प्रकार से हमारे पास बना है म्यू नोट N1 N2 A L। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारे पास जो आई वन और रह गया तो हम आई वन भी आप लिख देंगे। अगली स्टेप में क्या करेंगे, आई वन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 521 के अपॉन में भेजेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 521 अपॉन में I1, और हमारे पास यहाँ पर जो शेष बचेगा म्यू नोट N1 N2 A L। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और M इक्वल होता है 5 अपॉन में I। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं इसलिए ये हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण जो होगा वो 521, फ्लक्स का कहाँ पर होगा 2 में, और किससे धार दे I1, तो ये हो जाएगा I1। तो ये फाइनली हमारा बनेगा 521 इक्वल 521 अपॉन में I1, यानी कि हम धारा प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं और फ्लक्स का परिवर्तन जो होगा वो द्वितीय कुंडली में होगा, और दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण। तो हम यहाँ क्या करेंगे 521 अपॉन आई का जो वैल्यू है M21, ये अपने यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, ये बन जाएगा M21 इक्वल म्यू नोट N1 N2 A L। इस प्रकार इसको नाम देंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली के अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि जो सेकेंडरी जो हमारे पास परिनलिका है H2, उसके अंदर हम I2 धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि पुनः परिनलिका H2 में धारा I2 प्रवाहित करने पर परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर परिनलिका जो ये H2 है ये वाली, इसके अंदर हम I2 धारा प्रवाहित करेंगे, तब द्वितीय कुंडली यानी कि H2 के अंदर या H2 जो परिनलिका है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब द्वितीय कुंडली की बात करें तो यह हो जाएगा B2 बराबर म्यू नोट N2 I2, जहाँ म्यू नोट जो है वो निर्वात में चुंबकशीलता, N2 जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, I2 जो है द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा। आगे हमने लिखा है कि परिनलिका S1 से चुंबकीय फ्लक्स का, क्योंकि हम द्वितीय कुंडली में I2 द्वारा प्रवाहित करेंगे तब द्वितीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B2 इक्वल म्यू नोट N2 I2। तो धारा अपन द्वितीय कुंडली में दे रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन होगा वो द्वितीय कुंडली में होगा, तो इसलिए लिखा है कि परिनलिका S1 से चुंबकीय फ्लक्स का, और चुंबकीय फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई। अब यह करेंगे हम यहाँ 5 1 2, क्योंकि धारा हम द्वितीय कुंडली में दे रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का जो होगा वो प्राथमिक में यानी पहली कुंडली में या पहली परिनलिका में होगा, इसलिए 5 1 2।
वन यानी कि जो फ्लक्स का परिवर्तन होगा वो प्राथमिक में होगा और धारा जो हम दे रहे हो द्वितीय कुंडली में जाएगा, इसलिए 5 1 2 इक्वल हो गया यहाँ पर N1 B2 A। 5 1 2 इक्वल N1 B2 A, यानी N1 जो है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, B2 जो है द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, A1 जो है वो परिनलिका का क्षेत्रफल। तो आगे हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने यहाँ पर N1 का वैल्यू ले रखा था, वो होता है स्मॉल N1L, वही रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 1 2 इक्वल N1 का वैल्यू रखेंगे हम N1L, और B2 का जो वैल्यू है हम यहाँ से रख देंगे μ0 N2 I2, तो रखेंगे अपन μ0 N2 I2 और बचा हमारे पास A। इस प्रकार हमने N1 का और B2 का वैल्यू यहाँ पर रखा है। अगली स्टेप में हम थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 5 1 2 इक्वल, सबसे पहले म्यू नोट को लिखेंगे आप आगे, तो म्यू नोट N1 N2 A I2 और L, तो लिखेंगे A L और I2। अब हम क्या करेंगे, I2 को 5 के अपॉन में भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 2 अपॉन में I2 इक्वल म्यू नोट N1 N2 A L। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है M इक्वल 5 अपॉन I। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होगा ये M12, क्योंकि धारा जो फ्लक्स का जो परिवर्तन होगा फर्स्ट में और धारा हम दे रहे हैं सेकंड में, इसलिए M12, तो फ्लक्स का भी क्या हो जाएगा M12 और धारा हम किस में प्रवाहित कर रहे हैं 2 में। अब यहाँ पर जो M12 का जो वैल्यू है 5 अपॉन I, हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ये बन जाएगा M12 इक्वल म्यू नोट N1 N2 A और L, और नाम देंगे आप इसको समीकरण नंबर 2। आगे हमने लिखा है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो देखिए समीकरण नंबर 1 जो आया था M12 म्यू नोट N1 N2 A L, और इसी प्रकार हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 जो आया फर्स्ट जो आया था M21 इक्वल आया था म्यू नोट N1 N2 A L, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों का RHS जो है वो बराबर, क्यों यहाँ पर भी μ0 N1 N2 A L है और यहाँ पर भी μ0 N1 N2 A L, दोनों का समीकरण नंबर 1 और दोनों का जो RHS हो बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे कि M12 इक्वल हो जाएगा M21, क्योंकि दोनों समीकरण का RHS जो है वो इक्वल है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं कि अतः M इक्वल हो जाएगा ये म्यू नोट N1 N2 A L। हमने यहाँ पर N1 और N2 का वैल्यू रखा था, यानी कि जो N1 जो रखा था हमने यहाँ N1 L, तो हम यहाँ फिर से N1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इस N1 को अपॉन में भेज देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास N1 इक्वल कैपिटल N1 अपॉन में L। इसी प्रकार से अपन N2 का भी करेंगे, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल कैपिटल N2 अपॉन में L। ये वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा M इक्वल म्यू नोट N1 की जगह N1 का वैल्यू रखेंगे कैपिटल N1 अपॉन में L इंटू यहाँ पर रखेंगे कैपिटल N2 अपॉन में L और N2 में चल रहा है A L, देखिए एक L से ये एक L जो हो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा M इक्वल म्यू नोट N1 N2 A और अपॉन में बचा है L। तो ये फाइनली जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य वो होता है M इक्वल म्यू नोट N1 N2 A अपॉन में L और इसका जो मात्रक होता है हेनरी, तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर हेनरी। तो फाइनली दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का जो व्यंजक होता है वो होता है M इक्वल म्यू नोट N1 N2 A और पूरे के अपॉन में L। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।